मच्छर के काटने से एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसका नाम है डेंगू या फिर डेंगी। इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल है, लेकिन हाँ, इससे बचाव भी किया जा सकता है। अगर डेंगू नॉर्मल है यानी कि माइल्ड है तो हाई फीवर होगा और फ्लू जैसे सिम्टम्स होंगे जो कि एक हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका डेंगू खतरनाक है यानी कि अगर डेंगू बहुत सीवियर है तो जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि डेंगू से बचाव के कुछ रास्ते ज़रूर अपना लिए जाएँ। अक्सर डेंगू और नॉर्मल जो बीमारियाँ होती हैं, नॉर्मल जो इलनेस होता है जैसे फ्लू हो गया या फिर अगर सर्दी ज़ुकाम जो मौसमी होता है, उसके साथ हम डेंगू को कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ कर देते हैं और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये तो वायरल है, ये तो फ्लू है। लेकिन 3 दिन 5 दिन वेट करने के बाद जब वो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत आती है और उस समय कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए। अगर नॉर्मल सिम्टम्स की बात करें, नौजिया होता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, वॉमिटिंग होती है, बॉडी पेन होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी में रैशेज भी हो जाते हैं, और हाँ, हम बार बार फीवर को सोचते हैं कि फीवर आ रहा है तो एक पैरासीटामोल खा लिया या फिर कोई ऐसी फीवर की दवाई खा ली अपने आप से तो वो ठीक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। खास तौर से बारिशों के मौसम में डेंगू के फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। अगर बारिश ख़त्म भी हो गई और आसपास कोई जल जमाव है तो भी डेंगू के मच्छर उसमें पनप सकते हैं और आपको डेंगू कर सकते हैं। और अगर एक बार डेंगू के मच्छर ने आपको काट लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। उसमें क्या होता है, जब सीवियर डेंगू की बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स लीक हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ तक हो जाती है, ब्रेन हैमरेज तक हो जाता है, कई बार तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। इसलिए डेंगू से बचाव की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सीवियर सिम्टम्स की बात करें तो वॉमिटिंग हो सकती है, नौजिया हो सकता है, सर्दी जुकाम लगातार हो सकता है, फीवर बहुत ज़्यादा हाई होगा जो कि 104-105 तक चला जाता है, और छोटे बच्चों में तो ये ज़्यादा फैलने का डर रहता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो लो होती है। कुछ लोगों को तो गम से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, फटीग तो लगता ही, ऐसा लगता है बॉडी में कोई जान ही नहीं है। इसलिए सीवियर डेंगू से बचने का सबसे पहला उपाय है कि कोई भी एक सिम्टम अगर नजर आए तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में डेंगू फैलने का खतरा थोड़ा ज़्यादा ही होता है, और अगर आपको डेंगू एक बार हो चुका है तो दोबारा होने का खतरा भी मंडराता रहता है, इसीलिए आपको अपने आप को बचा के रखना है। और अगर ये डेंगू किसी प्रेग्नेंट वुमन को हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेने वाला है उस फीटस को भी डेंगू हो सकता है, उसका बर्थ जल्दी भी हो सकता है, उसके बर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को चाहिए कि वो अपना थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई डेंगू का पेशेंट है तो उसे घबराने की या डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके पास बैठने से आपको डेंगू बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे बचाव के रास्ते हैं जिनका अगर आपने इस्तेमाल किया तो डेंगू से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो जब भी आप किसी मच्छर वाले इलाके में जाएँ तो पूरे कपड़े पहन के जाएँ, यानी कि हाथ पैर अगर खुले रहेंगे तो मच्छरों के काटने का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहेगा, क्योंकि डेंगू के मच्छर रात में ही नहीं बल्कि दिन में काटने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। दिन में शायद उनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती होगी, जब आप रात को सोएं और आपको पता है कि मच्छर ज़्यादा आते हैं, या तो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, है ना, और या फिर आपको कुछ ऐसे मच्छरदानी में सोने की आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि गर्मी तो बहुत लगती है मच्छरदानी के अंदर, लेकिन अगर आपके पास कोई और सुविधा नहीं है तो मच्छरदानी आपकी पूरी मदद कर सकता है। और जब छोटे बच्चे घर में हैं और जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो उनको क्रीम ज़रूर लगा के भेजें जिससे मच्छर उनसे दूर रहें।